अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज के 20 मिनट। 10 बजे मैं सो के उठा था। मैं उठा था वैसे 9 9 बजे उठ गया था मैं। भाई मुझको इतनी ठंड लग रही थी, फिर से सो गया मैं। इसे अब जाके उठा हूँ 10 बजे। अब 10:30 बजने वाले हैं, अब निकलता हूँ यहाँ जल्दी से, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 10 बज के 20 मिनट। बस जल्दी से निकलता हूँ, 10 मिनट बचा है बस। पहले मैं केले खा लेता हूँ। ओ भाई फिर से लेट हो गया यार, 11 बजने वाले हैं। सबसे पहले यार मैं सफाई करूं, और ये कल मैंने बर्गर मंगवाए थे बर्गर किंग से। दो मैकडोनल्ड के बर्गर मुझे इतने अच्छे नहीं लगते जितने बर्गर किंग के लगते हैं, क्योंकि यार मैकडोनल्ड का मैंने एक बार कॉफ़ी पिया था, पूरी पानी जैसी कॉफ़ी थी, इसलिए मैं मैकडोनल्ड की कभी नहीं खाता। अब ये जो ये सर आए हुए हैं, ये विजिट करने के लिए आए हैं मेरे काउंटर में। ये वैसे ट्रेनर है, वो इनको किसी कंपनी वाले ने नहीं भेजा, मेरे रिश्तेदार ने भेजा है, क्योंकि मेरा कोई है ना रिश्तेदार में, वो भी परफ्यूम में ही काम करता है। अब उनने बोला मेरा कोई है भांजा, वो भी परफ्यूम में ही है, आप उसको ट्रेनिंग देने के लिए चले जाओ, वो इसलिए ये आए हुए। हुआ क्या कि मैंने काउंटर में साफ आप कहा था ना, ये आए कह रहे आपका नाम मानव है। मैं कहा हाँ। इनने मेरे से हाथ मिलाया, कह रहे मैं आपका ट्रेनर हूँ, मुझे किसी ने भेजा हुआ है। इसमें भी है ना यार, ये आगे तो ये अभी 4 5 घंटे के तो रह गए। इनने ये कि मुझको 3 4 चीज़ें तो सिखाई दी। वो मेरा स्टॉक आया हुआ है, उसको मैंने लगा तो दिया, दिखाता हूँ करके आया हुआ है। पिछले हफ्ते इसका मैंने डीओ बेचा था, इसके 3 डीओ आ चुके हैं। इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। वैसे ये भी लताफा का ही है। इम्बाग माई लाइफ का परफ्यूम आ चुका है, इसके मेरे पास 4 परफ्यूम थे, चारों भेज दिए थे पिछले हफ्ते, अब और आ चुके हैं, जरूर सही है। आगे हर्मिस का, ये मैंने पिछले हफ्ते बेचा था, ये भी 9000 का हर्मिस EDT आ गया, चलो सही है। अभी जो ये ट्रेनर आए हुए हैं ना, इनने मुझे परफ्यूम में जो 5 चीज़ें आती हैं उन्हें वो सिखा दी। पहले मैं तो 4 सिखाऊँ, वैसे 5 होती है कौन सी है। परफ्यूम में एक आता है परफ्यूम डिओरेंट, और तो फिर आता है पहला परफ्यूम डिओरेंट होता है, दूसरा होता है परफ्यूम, ये परफ्यूम होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा होता है। फिर आता है EDP और EDT, वो तो देख मुझे पता है उसके बारे में, वो तो हर परफ्यूम में होता है, मूवमेंट में तो सबसे ज़्यादा EDP ही होता है। और मैं 5वां तो सीखा ही नहीं, मुझको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने हाँ ही बोल दी, आ गया समझ। और जो उनने एक इस चीज़ की फ़ोटो खींच ली, क्योंकि ये टूटा हुआ है ना यार, इसलिए कहीं किसी ऊपर गिर जाए, मेरे ऊपर ही गिर जाए, इसलिए उन्होंने इसकी फ़ोटो ले ली। सुबह से बस 4 कस्टमर आए, पहला कस्टमर आया टाइटन का स्टोर का है, मैंने बता दिया। फिर आया मैगडी का है, मैंने बता दिया। फिर आया बाटा का, सारा मैं का स्टोर का नाम बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ। यार कोई आ जाओ यार, वो ट्रेनर सर, वो सर भी आया हुआ है यार, वो भी सोच के कोई कस्टमर आता नहीं है इस काउंटर पे, इसलिए कोई आए। अभी मैंने अपने हाथ में मसाज वाला मशीन लगाई हुई है, और इसने पूरे हाथ को ऐसा पकड़ा हुआ है, और अंदर अंदर इतनी गर्मी लग रही है, और फूला हुआ है अंदर अंदर, ऐसा लग रहा है। अपने दोस्त का काउंटर है, कभी भी मैं मसाज ले सकता हूँ, वो भी फ्री में। मैं पानी की बोतल भरने के लिए आया था सर की, और काउंटर में कस्टमर आ गए, उस सर हैंडल कर रहे हैं, चलो चलता हूँ मैं भी। चलो भाई मैं कर लेता हूँ लंच। और ये सर का बैग है, सर के बैग में ना एक ख़ास बात है, इसमें ना मोबाइल चार्ज करने वाला सिस्टम दिया गया है, ये देखो यहाँ से मोबाइल चार्ज होता है, और सही बैग है यार, मैं भी ख़रीदूँगा ये वाला बैग। वैसे मैं आर्टिक फोर्स का ख़रीदूँगा, अभी फ़िलहाल मैं तो इससे अपना काम चला रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:22, और अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुई। अभी मैंने इम्बाल का परफ्यूम बेचा, और ये 30 ml का 745 इसका प्राइस है, चलो सही है, ओपनिंग तो हो गई। सन ने 3 कस्टमर अटेंड किए, एक भी परफ्यूम नहीं बेचा। मैंने एक कस्टमर अटेंड किया, और मैंने इम्बाल का परफ्यूम बेच दिया, और सर मुझे कस्टमर अटेंड करने के लिए आए, या मेरे को ट्रेनिंग देने के लिए आए, देख लो। अब जो बंदा 3 कस्टमर को परफ्यूम नहीं बेच पाया, और मैंने अकेले में एक को बेच दिया, और वो बंदा क्या अटेंड करेगा मुझे बताओ, अब मुझे खुद करना चाहिए तो उसको अटेंड। अब चलो, और अभी मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं बर्गर किंग जा रहा हूँ सॉफ्टी लेने के लिए, कल तो मिली नहीं थी, कल सॉफ्टी ख़त्म हो गई थी, आज होगी, इसलिए आज लेके आता हूँ। चलो भाई सॉफ्टी तो ले ली, ये मेरी फेवरेट है, जब भी बर्गर किंग मुझे दिखता है मैं सॉफ्टी लेता हूँ, या चॉकलेट शेक इसे नहीं रहता, उसके चॉकलेट शेक अब 140 रुपये का हो गया, 160 का हो गया, अब ये 21 रुपये का है, ये ले लेता हूँ। चलो भाई सर तो गए, बस ज्ञान देते रहे पूरे दिन,
जो ज्ञान मुझे चाहिए वो ज्ञान तो दिया नहीं, बस ऐसे ज्ञान दे गए, बस हो गया। चलो अब थोड़ी देर में निकलता हूँ, कल मेरा ऑफ है। भाई अभी तक 9 भी नहीं बजे और मॉल पूरा खाली सा हो गया, बहुत कम कस्टमर है। कल भाई का ऑफ है और कल आराम करेगा और दूसरे चैनल की वीडियो बनाएगा। चलो सही है ना, अब बस घर पहुंच जाऊं।